All right, guys, so we will see the feelings of these two of this couple for each other. Let's see how it ties in with the overall dynamics of the relationship. ठीक है, ओवरऑल रिलेशनशिप के डायनामिक्स से ये पूरी चीजें इनकी फीलिंग्स कैसे टाई इन करती हैं, चलिए देखते हैं. ओके, लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन अराउंड देम. ठीक है, देखो फिर से किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वेटिंग फॉर सम न्यू बिगिनिंग टू हैपन. थैंक यू फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग टू एंजल्स फॉर प्रियंका एंड अंकित रिलेशनशिप. वॉट आर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर? वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द फैंस. वॉट दे आर अलाउड टू नो? एनी थिंग कमिंग इन फॉर देम? थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच. प्रियंकाज फीलिंग्स अंकित. ओके, प्रियंकाज फीलिंग फॉर अंकित इज दिस. लेट्स सी. एंड ओके, फाइव ऑफ कप्स, वही सारी एनर्जी है यहाँ पे भी. या समबडी इज लाइक यू नो बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट द मनी इन द रिलेशनशिप, है ना? जो कि पहले पे भी, पहले वाली रीडिंग में भी इनकी यही थी ना, मनी का एंगल आ रहा है, मनी का बैलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स. और यहाँ पे भी फीलिंग्स ऑफ दिस गर्ल फॉर द गाई इज लाइक यू नो शी इज स्टैंड, हमने लास्ट वाली रीडिंग में देखा दैट शी इज स्टैंडिंग स्टिल ऑन समथिंग. किसी चीज पर डिसीजन करना है पर बहुत स्ट्रेसफुल है, डिसीजन नहीं ले पा रही है. और कहीं ना कहीं ये मैटर यू नो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड फैमिली का रुतबा एंड ऑल दोस थिंग्स से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बैक ऑफ द डेक में है एंड इट इज हिडन, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट. लास्ट रीडिंग में भी उनके यही चीजें, यही एनर्जी रिपीट हुई है. अभी ये उसके बारे में क्या सोच रही है? दैट थिंग्स विल गेट बेटर, डोंट वरी, बिकॉज दिस गाय इज रियली वरिड. जैसे कि लास्ट वाली रीडिंग में देखा ना, इनके रिलेशनशिप डायनेमिक्स में व्हाट डिड वी सी? दैट द बॉय, मैंने बोला था कि द गर्ल इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, शी हैज टू टेक अ डिसीजन, शी इज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन. पर ये जो, और ये बंदा जो है ना, ये काफी रेस्टलेस है, भाग रहा है, ये करने की कोशिश कर रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन हम जानते हैं कि भागने दौड़ने से हम यू नो यू हार्डली यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग. धैर्य के साथ बैठ के काम करने से ही कुछ अचीव होगा, तो रेस्टलेस होने से कुछ नहीं हो पाएगा ना. तो शी इज सीइंग दैट दिस गाय इज वेरी रेस्टलेस. ओके, तो वो क्या बोल रही है कि वो क्या सोच रही है, या फिर मे बी उसको बोलना चाह रही है कि यस दे हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट टाइम. ऑब्वियसली नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यू नो फाइटिंग हो रही है आसपास, अपने स्टैंड को प्रूव करने की कोशिश हो रही है. तो ये सारी चीज में दे आर इट गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम, है ना? तो यहां से वो उसको क्या बोलना चाह रही है कि थिंग्स विल गेट बेटर और एवरीथिंग विल बी फाइन. वेरी सिंपल, वी विल मूव थ्रू दिस स्टॉर्म. हम लोग ये स्टॉर्म से, ये जो बवंडर मचा हुआ है, जो ये तूफान आया है, इससे हम लोग निकल के, हम लोग इससे निकल जाएंगे एंड देर विल बी बेटर डेज. ओके, एवरीथिंग विल कम ब्यूटिफुली, फुल क्लोजर. हमारा जो रिलेशनशिप है, थिंग्स विल बी बेटर. तो बेसिकली इट्स मोर लाइक यू नो उसको सांत्वना दे रही है, वो उसको बताना चाह रही है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी. क्योंकि वो बहुत रेस्टलेस है, शी विल वॉक आउट, एवरीथिंग इज, रिलेशनशिप विल मूव आउट ऑफ द स्टॉर्म, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. और जितनी भी जो भी चीजें अफसोस हुई है ना, जो भी डिफिकल्टी इन्होंने फेस की है, इट विल गेट बेटर. दैट इज वॉट शी वॉन्ट्स टू टेल हिम, दैट इट विल बी फाइन, थिंग्स विल बी बेटर. दैट इज वॉट शी वॉन्ट्स हिम टू टेल, और दैट इज वॉट हर फीलिंग्स आर फॉर द गाय, दैट इट विल गेट बेटर. सो वॉट आर हर फीलिंग्स फॉर द गाय? ओके, यस एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेटर. खुश हो जाओ, इतना चिंता मत करो. ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल लाइफ. द एटीट्यूड विल, दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो. और यहाँ पे वो फ्लो ही करके आगे बढ़ रही है ना, तो देयर फॉर दिस कार्ड्स इवन मेक अ स्ट्रॉन्गर सेंस एंड कनेक्शन विद द होल स्टोरी. तो यहां पे उसने यही बोला है ना कि वी विल मूव थ्रू दिस थंडर. और
और एक बेटर दिन आएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल जो भी दुख हुआ था ना, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, एंड वी विल टेक कंट्रोल ऑफ आर सिचुएशन, सब चीज अच्छा हो जाएगा. इसीलिए वो बोल रही है सरेंडर टू वो वंडर एंड आओ आओ. तो यानी कि बी हैप्पी, बी प्लेफुल, इतना चिंता मत करो. यस, लाइक दैट. सरेंडर योर आउटडेटेड बिलीव अबाउट योर सेल्फ. वो इसको ये भी बोलना चाहती है कि अपने आप को इतना डाउट मत करो. ओके गाइज, सो दिस इज हर गाइडेंस फॉर द गाई. एंड नाउ चलो, लेट मी पुल वन कार्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके, यस, चिंता मत करो, अपने आप पे डाउट मत करो, जो भी चीज चाहते हो उस पे फोकस करो. ओके, तो शी इज अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है. शी इज बिलीविंग कि हर चीज ठीक हो जाएगा, दैट दे विल मेक इट हैपन. ये उसकी एनर्जी है. चलो देख लेते हैं कि अब बंदे की क्या एनर्जी है, फीलिंग्स है. तो वो उसको काफी सपोर्ट कर रही है इस मझधार में, उस पर विश्वास कर रही है. शी वॉन्ट्स इन टू बिलीव इन हिमसेल्फ एंड दैट थिंग्स विल बी फाइन. ये सारी चीजें कर रही है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द गाय हैज, व्हाट द गाय इज फीलिंग अबाउट द गर्ल. अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता को तो लगता है कि इट्स पॉसिबल ही नहीं है जस्टिस होना, क्योंकि क्या है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउट करने लगा है. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट डाउटिंग आवर सेल्स. सी, थिंग्स विल बी बेटर. अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि थिंग्स विल बी बेटर. ऑल द कप्स विल बी फिल्ड, सारे इमोशंस, सारे विशेस फुलफिल होंगे, रेनबो शाइन करेगा लाइफ में. अभी ऐसा लग नहीं रहा है, अभी स्टिल स्ट्रगलिंग स्टेज पे जा रहे हैं. बट लेट्स सी कि आगे में क्या होता है. द गर्ल इज वेरी पॉजिटिव दैट शी विल ओवरकम ऑल द. एक्चुअली यहाँ पे आपने देखा था ना, वो लड़की ही थी जो फाइट कर रही थी. हालांकि वो अकेले फाइट कर रही है तो थक रही है, बट दैट इज वॉट इज. दिस गाई इज मोस्टली बिजी डाउटिंग हिमसेल्फ एंड डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग. सो थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द ऑफ अंकित गुप्ता फॉर द गर्ल प्रियंका. थैंक यू फॉर द डिवाइन गाइडेंस डियर एंजल्स. वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस. ओके, वी हैव द गाइडेंस. या क्या नाम है इसका, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. यस, नॉट फीलिंग वेरी कॉन. ओके चलो देख लेते हैं. यहाँ पे ये देखो, ये एट ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, या द एम्परर है कोई यहाँ पे, एम्परर है कोई यहाँ पे. हु इज द एम्परर इन रिवर्स इन दिस, जो शायद कोई रिलेशनशिप का एंड करना चाहता है, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. यहाँ पे फिर से वो कार्ड आया है, राइट. आई डोंट नो इफ दिस इज द गर्ल हर सेल्फ. शी डोंट नो, शी डजंट वांट्स इट, क्योंकि उसने तो बोला है कि चीजें बेटर होंगी. तो यहाँ पे क्या, व्हाट ही फील्स अबाउट हर. व्हाई आर दीज टू कार्ड्स रिवर्स. आई जस्ट फील दे शुड नॉट बी रिवर्स्ड. व्हाट दिस गाय इज फीलिंग अबाउट हर, व्हाट दिस गाय फील्स अबाउट हर. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स. यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है. ऑल आर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, शी इज वेरी हैप्पी, हर चीज उसे मिल गया है. यहाँ पे वो उसको क्या बोलना चाह रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं. ओके,
और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। ऑल राइट, आई थिंक वी विल नीड अ लिटिल क्लैरिफायर हियर टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। व्हाट आर हिज थॉट्स फॉर द गर्ल? व्हाट आर हिज थॉट्स फॉर द गर्ल अंकित गुप्ता? व्हाट आर हिज थॉट्स फॉर द गर्ल एंड क्लैरिफायर फॉर नाइन ऑफ पेंटिकल्स डियर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक, ओके, ये चीज़ें हैं, ये है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस यहाँ फिर से आ गई है इसके रीडिंग में। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफायर। ओके, फिर से टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि देर इज अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। और यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है, एंड टावर का कार्ड जो है ये बैक साइड में है। स्ट्रेंज इनफ, ये क्या है? यहाँ पे आई क्यों है? देर इज अ आई हियर। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हाउ थिंग्स आर इन देयर लाइफ, सो लेट मी सी, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है वो कुछ उसके बारे में बोल रहा है कि काम सही नहीं चल रहा है, या समथिंग रिलेटेड विथ वर्क विच इज नॉट गोइंग फाइन। और द रीजन इज कि अगर आप यहाँ पे टावर का कार्ड देखो, ये टावर वो कार्ड है जहाँ पे एक, दिस इज नॉट द स्टार्टिंग ऑफ द टावर, दिस इज द माई टावर इज मोर लाइक, यू नो, यहाँ पे दिस लुक्स लाइक एन ईविल आई, जैसे कि कोई नजर रखा है उसके वर्क पे, वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। आई डोंट नो, दिस इज वर्क से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, योर जॉब, योर सीरियल्स, और ये क्योंकि ये ठीक से नहीं चल रहा है, ये ठीक इसलिए नहीं चल रहा है कि देर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड हियर इन द जॉब। ओके, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर है यहाँ पे, किसी की नजर है यहाँ पे जॉब में, जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि जॉब से कुछ। यहाँ पे भी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो बहुत बिजी है, कुछ हिडन एनर्जी है इनके रीडिंग में। आई थिंक यस, विद दिस लवर्स कार्ड दे आर क्वाइट अ लवर, मे बी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी होगी क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, मे बी दे आर अ वेरी गुड कपल। बट कुछ चीजें यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट दिस इज इवन मीन, मोर लाइक कि शी इज नॉट टेलिंग हिम समथिंग, शी इज नॉट टेलिंग हिम समथिंग, हो सकता है कि ये बातें होंगी। और काम ठीक नहीं चल रहा है कुछ, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस, देर इज समथिंग हिडन। यहाँ पे भी टावर के ऊपर एक कार्ड है, मोर लाइक कि काम जो ठीक नहीं चल रहा है उसके पीछे कोई रीजन है। ओके, और यहाँ पे तो एवरीथिंग इज फाइन, शी इज सिटिंग फाइन। दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, बट दिस इज वॉट इट इज। लग रहा है कि जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है किसी को, उसके तरफ वो बताने की कोशिश कर रहा है। सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, और इसे फ्रस्ट्रेशन भी हो गया है।
What this guy wants to tell to her? Or maybe the feelings for her. His feelings for her. Time to move on. Wow. Time to move on. यहाँ पे इस बंदे की जो फीलिंग्स है ना इस बंदी के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ओके इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वोर्न आउट एंड सो दैट द न्यू कैन कम इन. यहाँ पे भी ये इसको देख रहा है कि बहुत स्टाइल से बैठी है, इसके सपने पूरे हो रहे हैं. पता नहीं, दिस इज समथिंग, आई मीन मे बी यू गाइज नो वॉट इट इज. फ्रस्ट्रेशन तो है, कंपैरिजन दूसरों से है, पैसे का कंपैरिजन है, ये सारी चीजें हैं. वर्दीनेस इश्यू भी है, मोर लाइक कि अपने आप को थोड़ा विक्टिम बना के. क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा उसे बोल रहा है कि देर इज समथिंग दैट शी इज नॉट टेलिंग हिम. ओके देर इज समथिंग दैट शी इज नॉट टेलिंग हिम. ये इस बंदे की फीलिंग्स है. वर्क फ्रंट पे भी उसे लग रहा है कि यहाँ पे भी देख रहे हो पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. तो इन लोगों के लाइफ में, रिलेशनशिप में, या तो मनी का एंगल बहुत ज्यादा, मनी का ही एक्चुअली एंगल बहुत ज्यादा है. मनी का एंगल से कहने का मतलब है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, गुड फ्यूचर, लग्जूरियस लाइफ, इस तरह की चीजें हैं. ओके और यहाँ पे भी है कि उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं. और यहाँ पे अगर देखो तो ये दोनों कार्ड, ये कार्ड तो मिस्टीरियस ही बना पड़ा है. यहाँ पे अगर इसके पीछे देख लो तो एक टावर है और यहाँ पे शायद किसी की नजर भी है वर्क फ्रंट पे. तो ये दोनों कार्ड, ये तो बहुत डिफिकल्ट कार्ड है. यहाँ पे भी मिस्ट्री है, पर यहाँ पे अचानक से हर चीज अच्छा हो जा रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यार बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, बट तुम खुश रहो, यू गो, समथिंग लाइक दिस. आई डोंट नो वाई इट्स लाइक दिस, बट या दिस इज वॉट इट इज. मैंने कि मोर लाइक यू नो यू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू फुलफिल योर ड्रीम्स, आई विल यू, तुम आगे बढ़ो और अपने सपने पूरे करो, समथिंग लाइक दैट. तुम आगे बढ़ो और अपने सपने पूरे करो. क्योंकि इसका डिजर्विंग इश्यूज आया भी था ना, बट दिस बंदी इज टेलिंग कि थिंग्स विल गेट बेटर, चीजें बेटर हो जाएंगी. बट ये क्योंकि अब ये बंदा हो सकता है इसीलिए ये इसलिए ऐसा ये इसलिए सोच रहा होगा क्योंकि एक तो डिजर्विंगनेस इश्यू है, दूसरा चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए रेस्टलेस हो गया है, 10 तरह की चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है. उसमें काम ठीक से नहीं हो पा रहा है. एंड देन इट्स लाइक कि या दिस रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ नॉट वर्किंग. यस दिस इज वॉट इट इज टेलिंग. नो या ओके दिस इज वॉट इज टेलिंग, रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, इट्स काइंड ऑफ क्रम्बलिंग. यू वॉक आउट, यू फुलफिल योर ड्रीम्स. समझ रहे हो? फ्रस्ट्रेशन है, कंपेरिजन है, मनी का कंपेरिजन, स्टेबिलिटी का स्टेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो ये बेसिकली उसको क्या सब बोल रहा है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, यू वर्कआउट एंड यू फुलफिल योर ओन ड्रीम्स. क्योंकि वर्कआउट नहीं हो रहा है ना रिलेशनशिप. यहाँ पे देखो टावर आ गया है, यहाँ पे शायद किसी की नज़र भी लग रही है. और यहाँ पे भी है कि रिलेशनशिप जो काफ़ी शायद ठीक से चल भी रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, इट्स ऑल ऑफ अ सडन इट्स नॉट हैप्पी. इट्स लाइक यू नो वो अपना रिलेशनशिप है, जो लव है, उसमें मनी का एंगल आ गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस आ गया है, एक अनकम्फर्टेबलनेस आ गया है, जैसे कि यू नो. और ये क्यों आया है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, चीज़ों को छुपा रही है. बट देर इज समथिंग लाइक यू नो इक्वेशन हैज चेंज्ड यहाँ पे और रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है.
and you move out. I don't know why is this even happening like this. But yeah, this is what we are getting. This is the lovers card, which is telling her that they are the divine couple. I mean, they are a good couple. बट यहाँ पे वही चीजें हो रही हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। डू लेट मी नो गाइज इफ दिस मेक सेंस। आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस व्हाट दिस इज, बट आई जस्ट रेड द कार्ड द वे आई गॉट द एनर्जीज लाइक, एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।